नमस्कार राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज मैं देखिए मेरे पीछे पीछे का नज़ारा कि मैं कहाँ आई हूँ। यह है हमारे यहाँ की चंबल नदी, और यहाँ पे मैं आई थी जो हमारे यहाँ पूजा पाठ वगैरह होता है तो उसका कोई सामान रोली वगैरह और धूप बत्ती वगैरह, ये पुरानी जो चुनरी वगैरह होती है मैया की तो वो पुरानी वगैरह पड़ जाती है। हम लोग यहाँ पे विसर्जन करने के लिए आए थे सारा सामान, और हम लोगों ने विसर्जन भी कर दिया। फ्रेंड भी आए हैं, और इतने दिन से मैं मतलब नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे नहीं थे। मेरे बेटे को मैं लाती नहीं हूँ, उसको टाइम भी नहीं मिल पाता है। और मैं यहाँ पे आई हूँ, वो भी आए हैं, 2-3 दिन हो गए वो मैं छुट्टी आए हुए हैं। तो मैं और वो दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ गए हैं, क्या 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 है, और कैसे कैसे वीडियो डाले हैं। और तो मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये जो हमारे यहाँ बड़ा सा है पीपों का पुल है, और ये मैं जो खड़ी हूँ वो नदी है। ये देखिए ये मंदिर के पास मैं खड़ी हूँ, ये यहीं पे है। वो मेरे हस्बैंड निकल गए, ये भोले बाबा का मंदिर है यहाँ पे। ये जब चंबल नदी आती है ना तो ये मंदिर जो पूरा है ना ये बहुत पूरा डूब जाता है। वो मंदिर भी बहुत मोटी मोटी दीवार है, बहुत मोटी मोटी दीवार है, देखिए पिलर टाइप में है, बहुत मोटी मोटी दीवार है, घंटे वगैरह सारा ही डूब जाता है जब चंबल हमारे यहाँ पे ये चढ़ जाती है बरसात के दिनों में तो। और दोस्तों मुझे यहाँ आना बहुत ही बढ़िया लगता है, कम से कम आती हूँ 6 महीना के बाद आती हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अब आई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और शायद मैं घर में रह रह के परेशान हो जाती हूँ तो मुझे बस इधर उधर थोड़ा सा घूमना पास में जाना बढ़िया लगता है। मंदिर वगैरह में थोड़ा सा चंबल वगैरह किनारे आके थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। ये जो पुल मैं दिखा रही हूँ दोस्तों आपको, ये है पेंटून पुल बोलते हैं इसको, और हम लोगों की जो विलेज वाली भाषा में बोलते हैं वो बोलते हैं पीपो वाला पुल। और ये जो पुल है उधर देखिए उस तरफ और इस तरफ है, उस तरफ है मध्य प्रदेश, इस तरफ है उत्तर प्रदेश, मतलब दोनों को जोड़ता है ये पीपो वाला पुल हमारा। तो ये बहुत पुराना पुल है, जब चंबल नदी चढ़ के आती है तो इसको पीपों को हटा दिया जाता है, और जब चंबल कम हो जाती है तो ये फिर से चालू कर दिया जाता है। और देखिए ये रस्सों से कैसे बनाई है, जो पिलर है उनसे बना हुआ है। और अब ये यहाँ पे ये नया ये जो पुल है उसका निर्माण हो रहा है, शायद 2024 तक हो जाएगा इसका पूरा बन जाएगा पुल, तो फिर शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। और फिर ये जो अभी है देखने के लिए कोई चीज़ तो आप देखिए, ये है चंबल डाल परियोजना, यहाँ से नहर निकली है, और इसमें फाउंडेशन में क्या है, इसमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो पानी को लिफ्ट करते हैं, पानी लिफ्ट होके ऊपर चला जाता है जहाँ बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं देखिए। और ये जो पिलर लगे हुए हैं वहाँ से संभालने का काम होता है, कुछ खराबी आ जाती है तो ऐसे करके ये काम शुरू हुआ था शायद 94-95 में। और दोस्तों यहाँ चंबल निकलने से बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है चंबल की वजह से, क्योंकि यहाँ से नहर भी निकल गई है, नहर निकलने से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, सिंचाई वगैरह में सिंचाई आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सिंचाई में बड़ी दिक्कत आती थी, और तब से जब से नहर निकली है यहाँ से तब से कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, पर पानी भी बहुत कम रह गया है, पहले जितना पानी नहीं है। पहले पानी देखते डर लग जाता था कि अब आप रे इतना पानी है। और ये देखिए मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको, ये फाउंडेशन जो है, और ये है सूरज छुपने वाले, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और देखिए ये मैं दिखा रही हूँ कहाँ तक जुड़ा हुआ है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और मेरे हस्बैंड ये गाड़ी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, मैं भी अब जाके बैठने वाली हूँ। कहाँ रोकेंगे गाड़ी मुझे कुछ पता नहीं है, देखिए चलते हैं दोस्तों। देखिए चंबल घाटी का वो विहंगम दृश्य,
ये धरती, ये सूरवीरों की धरती, ये पतले पानी की धरती, कभी ये खून से सनी हुई रहती थी। यहाँ डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी पहले हो चुकी है। कई बार यहाँ कितना खून खराबा हुआ है, शायद मैंने अपनी आँखों से कई खून खराबे देखे हैं। ये वो घाटियाँ हैं जो आज वीरान नज़र आती हैं। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो इसकी हरियाली भी धीरे 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 पूरे जंगल की ख़त्म होती जा रही है। लोगों की जागरूकता कम हो गई है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा भगवान जाने। दोस्तों बताते हैं, कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। और यहाँ बताते हैं कि डकैत वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे, कहीं कहीं अपहरण, कहीं कुछ, कहाँ तक कहीं चले दूसरी आए मध्य वारदातें प्रदेश होती के रहती जंगल थी। में। तो अब जंगल चलो था ना, कोई तो पकड़ डर लिए था हुए। इंसानों को डकैत वगैरह का। अब डर नहीं है तो पेड़ भी नहीं है, पेड़ कट गए तो जंगल भी वीराने से हो गए हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। बेचारे जीव जंतु रहेंगे कहाँ, इसमें पेड़ पौधे ही नहीं है, तो बेचारे जीव जंतु तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कभी कोई छोटे मोटे जीव जंतु है वो जो कहती है जिले लज्जे मतलब पूरे किसी को हानि नहीं पहुँचाते लिए हैं, पान वो ये एक दो बैलेंस अच्छा आपको सुबह सवेरे मिल जाए। तो दोस्तों अब हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, बहुत जंगल था, क्योंकि हम मेरे को तो बहुत ज़्यादा अंधेरा सा, 5:30 पौने 6 का टाइम है तो डर लगता है। अभी गर्मियों का टाइम है तो हम लोग लगातार ये चल जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है, यहाँ पे टूटी फूटी सी रास्ता है ये वाला। और ये बगल में कुछ पेड़ बमूर वगैरह के खड़े हैं, कीकर वगैरह है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है नहर में, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी है, क्योंकि अभी यही आधा पाइप वगैरह चल रहा होगा चंबल से, क्योंकि सिंचाई वगैरह भी हो नहीं रही है खेतों में, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी चल रहा है। तो हम लोग ये देखिए, ये पुलिया सी पड़ती है, ढलान है थोड़ा सा, और ये ऊपर को यहाँ से ये जाती है। और तो दोस्तों हम लोग ये चलते जा रहे हैं, कभी कभी हम लोग आ पाते हैं। ये देखिए भयानक एक्सीडेंट हुआ है, कितनी लुढ़कती हुई कार है, जीप है क्या, ये निकल गई, गिर गई है। तो दो बताते हैं कि दो लड़कों को यहाँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।